अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। राम मंदिर शिलान्यास के साथ राम राज्य की पहल शुरू, हिंदू जनजागृति समिति का आह्वान, निभाएं जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास कर दिया। इस पर हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता सतीश कोचरेकर का कहना है कि मंदिर शिलान्यास से जहां 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है, वहीं राम राज्य की स्थापना के लिए अभियान तेज हो गया है। सतीश कोचरेकर ने कहा कि यह धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा का अभियान है, इसलिए हिंदू समाज को इसके लिए आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। आइए सुनाते हैं सतीश कोचरेकर ने और क्या कुछ कहा। लगभग 500 वर्ष के संघर्ष के पश्चात हिंदुओं ने अपना एक श्रद्धा केंद्र मुक्त किया है। जिहादी आक्रांताओं ने केवल एक राम मंदिर को ही ध्वस्त नहीं किया, अपितु लाखों मंदिर ध्वस्त किए। आज भी स्वतंत्र भारत में काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर पर इस्लामी आक्रमण दिखाई देते हैं। उनकी मुक्ति के लिए भी हमें वैधानिक रूप से प्रयास करने होंगे। जिनके लिए संभव है वे प्राचीन मंदिरों के उत्थान हेतु ज्ञापन दें, जिन्हें संभव है वे न्यायालयीन संघर्ष करें और अपने समय का धर्म सेवा हेतु उपयोग करें। इस्लामी चंगुल से राम जन्मभूमि मुक्त होने के लिए जिस पवित्र भूमि पर प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, उस स्थान पर श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का संघर्ष कितना प्रदीर्घ था, यह हमने देखा है। श्री रामचंद्र की कृपा से राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, अब प्रत्यक्ष राम राज्य की स्थापना के लिए प्रयासरत रहना यह हमारी धर्म सेवा होगी। 500 वर्ष के राम मंदिर निर्माण के संघर्ष के काल में न जाने कितने राम भक्तों ने जिहादी आक्रांताओं द्वारा हिंदू संस्कृति पर हुए आघातों को मिटाने के लिए जान हथेली पर रखकर संघर्ष किया होगा। राम जन्मभूमि के उपलक्ष में सभी ज्ञात अज्ञात राम भक्तों का स्मरण करते हुए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस धर्म रक्षा हेतु प्राणों की परवाह किए बिना संघर्ष करने वाले इन वीर भक्तों का आदर्श सामने रखकर हम सभी को धर्म एवं राष्ट्र रक्षा हेतु समर्पित होना होगा। उसके लिए हिंदू समाज को कार्य करने की शक्ति, बुद्धि और प्रेरणा मिले, इस हेतु मैं प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और राम भक्त, देशभक्त और धर्म प्रेमियों से यह आह्वान करता हूँ कि आज इस पावन अवसर पर अपने घर पर भगवा ध्वज फहराएं, सवेरे प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर उनके सामने तेल का दीपक जलाएं, सायंकाल में घर के सामने तेल के दो दीपक जलाकर राम रक्षा का पाठ करें, घर के सामने राम तत्व आकर्षित करने वाली रंगोली बनाएं, दिन भर में अधिकाधिक श्री राम जय जय राम का जाप करें। प्रभु श्री राम जी को अपेक्षित राम राज्य अर्थात हिंदू राष्ट्र शीघ्र लाने हेतु उनके चरणों में भावपूर्ण प्रार्थना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।